गाइस व्हाट्सअप। सो ये वीडियो फोटोशॉप से रिलेटेड है। मैंने एक्चुअली एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे और वो पोस्ट को लाइक्स मिले अच्छे खासे। सो मैं सोचा उसका एक ट्यूटोरियल जैसा बना देता हूँ। फोटो ये वाला है। सो ये वो फोटो है जिसको मैंने यूज़ किया था, जिसको ऐसे निकाला था। एक तार जैसा है मेरे पास घर पे, उस पर मैंने डाइसेस को चिपकाया था और फिर फोटोशॉप में उसको निकाल दिया था। मेरा वो फोटो ये तार ऐसे दिख रहा था, फिर मैंने उसको फोटोशॉप में निकाल दिया। फोटोज निकालोगे तो रॉ फाइल्स में ही निकालना। मैं हमेशा रॉ फाइल से निकालता हूँ। रॉ फाइल्स निकालोगे तो ऐसा ऑप्शन आपको आएगा। अगर आपका फोटो रॉ फाइल में नहीं रहेगा तो ऐसा ऑप्शन आपको नहीं आएगा, तो आपको फोटोज रॉ फाइल्स में ही निकालना चाहिए। तो अभी मैं इसको थोड़ा डार्कनेस, इसका थोड़ा शेडोज का मैं तो इसको शेडोज बढ़ा देता हूँ। वाइट्स को भी थोड़ा बड़ा, नहीं वाइट्स कम नहीं रखता। ब्लैक्स को थोड़ा कम रखता हूँ। हाइलाइट्स इतना ही काफ़ी है। ऐसे ही थोड़ा इमेज मैंने डार्क लिया था। इमेज डार्क लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। रॉ फाइल्स में ले रहे हो तो डार्क में लेना। अगर आप रॉ फाइल्स में नहीं ले रहे हो, जेपेग में ले रहे हो, तो आपको थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा। कलर सेटिंग में जाते हैं। पीछे ग्रीन है तो ग्रीन को थोड़ा बड़ा होता है। ग्रीन और ब्लू है एक्चुअली। ये जो बैकग्राउंड है ये ग्रीन कलर है, टील कलर है। तो टील कलर में दो कलर्स होते हैं, एक होता है ग्रीन और एक होता है ब्लू। ग्रीन और ब्लू को मिक्स करते तो टील मिलता है। सो यहाँ पे जो ग्रीन, एक्वा और ब्लू, ये तीन जो है ये इसके एडजस्टमेंट से इसका एडजस्टमेंट होगा। तो अभी मैं इसका सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ। एकदम ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, थोड़ा ही बढ़ा दिया तो भी बहुत है। सैचुरेशन देखो मैं कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ तो कैसा इफेक्ट आता है। ये कम किया है, ज़्यादा किया है, कम किया है, ज़्यादा किया। स्किन का कलर हमेशा ऑरेंज होता है और यूजुअली आप टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो येल्लो बढ़ता है। तो मैंने टेम्परेचर ऑलरेडी कम कर दिया, सो मेरे को सिर्फ स्किन का कलर में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ल्यूमिनस एरिया जो रहता है वहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर का ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए। सो अभी ये केस में, अभी जैसे ये बैकग्राउंड टील है ना, सो अगर मैं ब्लू को नीचे करूँगा तो ब्लू इफेक्ट होगा, देख रहे हैं आप जैसे। सो ल्यूमिनेंस में थोड़ा कम कर देता, ऑरेंज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। बाय द वे ऑरेंज एंड टील करके एक ये रहता है, कलर ग्रेडिंग बोलते हैं जिसको, ऑरेंज और टील कलर का। ये बहुत फेमस है और इसको मूवीज में भी बहुत यूज़ करते हैं। अगर आपने मैड मैक्स मूवी देखा होगा तो उसमें ऑरेंज एंड टील का बहुत यूज़ हुआ है और भी बहुत सारे मूवीज़ में यूज़ हुआ है। सो बेसिकली ऑरेंज एंड टील कलर का पर्पज़ क्या होता है कि अभी जैसे ये वीडियो है, अगर मैं इसको ऑरेंज एंड टील कर दूँ तो एक जो मैं सब्जेक्ट हूँ वो बैकग्राउंड से अलग हो जाता है। सो ऑरेंज एंड टील जो है वो एक ऑपोजिट कलर्स है। अगर वो मैं किसी फोटो पे भी अप्लाई करूँ, सो अगर आपके फोटो में कोई ह्यूमन सब्जेक्ट है वो ज़्यादा पॉप आउट होएगा और जो बैकग्राउंड जो है वो टील हो जाएगा। सो उससे क्या होता है कि आपका जो आँख है वो सीधा सब्जेक्ट के ऊपर जाता है और बैकग्राउंड पे उतना ध्यान नहीं रहता। अगर आपके बैकग्राउंड का कलर और सब्जेक्ट का कलर सेम है तो वो फोटो उतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना ऑरेंज एंड टील के साथ दिखेगा, क्योंकि उसके वजह से सब्जेक्ट सेपरेट हो जाता है और बैकग्राउंड सेपरेट हो जाता है। तो ये पहले था और ये अभी है, ठीक है। जिसको आपने एडिट किया उसको क्लिक करना, जिसको एडिट नहीं किया उसको क्लिक मत करना, ठीक है। तो अभी मैंने इसको एडिट किया, इसमें पूरा सेटिंग है। सो मैं इसको पहले क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं दूसरों को क्लिक करूँगा। शिफ्ट दबा के लास्ट वाले फोटो को क्लिक करूँगा तो सब सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सिंक सेटिंग है, ये देखो यहाँ पे है सिंक सेटिंग। सिंक सेटिंग में जाने के बाद ये जो लास्ट के जो है क्रॉप, एस्पेक्ट रेशियो, ये सब को छोड़ देना। सिर्फ ऊपर जो कैलिब्रेशन से ऊपर जो भी सेटिंग्स है उसको टिक करके ओके कर देना। सो उससे सेटिंग अप्लाई हो जाएगा। सो अभी ये फोटोज़ में भी फर्स्ट फोटो का सेटिंग अप्लाई हो गया। ये अप्लाई इसलिए करना पड़ता है ताकि आपके सब फोटोज जो है वो एक ही जैसे लगे, ठीक है। अभी ये सब पे अप्लाई हो गया, अभी इसको ओपन कर लेते हैं। हमेशा फोटोशॉप में एडिट करने के टाइम एक कॉपी ज़रूर बनाना,
जो ओरिजिनल है उसके ऊपर एडिट मत करना, कॉपी बनाना और उसको एडिट करना। सो अगर आप पीसी पे या मैक पे हो तो आप कंट्रोल जे या कमांड जे जो भी है उन लोग का, मैं विंडोज पे हूँ सो मैं कंट्रोल जे दबा रहा हूँ। अगर आपके पास टैब है तो आप इमेज में जाओगे और डुप्लीकेट दबाओगे तो उसका एक कॉपी बन जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे तो हीलिंग है, इसको बोलते हैं स्पॉट हीलिंग। ये चीज़ों को गायब करने के लिए बहुत अच्छा है। या तो आप क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप स्पॉट हीलिंग यूज़ कर सकते हो। सो मैं स्पॉट हीलिंग यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ नीचे से चालू कर देते हैं, पहले इसका साइज बढ़ा देता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे ऐसे करके क्लिक करेंगे, देखो गायब हो गया। अपना टाइम लेके करना, जल्दी जल्दी मत करना। मैं अभी फ़िलहाल तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर दिया है, मैं सिर्फ आपको ट्यूटोरियल सिखाने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। जो ऑब्वियस था, जो इजी था निकालने, वो मैंने निकाल दिया। अभी जो हार्ड वाले है उसको निकालना है। जे दबाने के बाद स्पॉट हीलिंग आया बराबर। अभी आप शिफ्ट दबा के जे दबाओगे वापस तो एक दूसरा सेटिंग आएगा, फिर वापस जे दबाओगे तो एक ऐसा वाला दिखने वाला सेटिंग आएगा। सो ये बेसिकली वही है, सिर्फ हम लोग जिसको चेंज कर रहे हैं। सो अभी पहले हम लोग स्पॉट हीलिंग पे थे, अभी हम लोग पैच टूल पे गए। और पैच टूल का काम ऐसा है कि आप पैच टूल ऐसे काम करता है कि जैसे सपोज ये एरिया गंदा लग रहा है तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर ऐसे एक उसका सर्कल बनाएंगे, फिर उसको उठा के यहाँ पे डालेंगे। सो देखो ये अभी पहले से बेटर हो गया, पहले ऐसा था अभी ऐसा है, ठीक है। तो यही अपने को कंटिन्यू करना है। सेलेक्ट किया, थोड़ा यहाँ पे डाल दिया, इस पे जितना टाइम लोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आराम से करना, घाई घाई में मत करना। सो अभी ये पेन टूल है, पेन टूल से पहले उस क्लिक करो जो एरिया अपने को ये करना है। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं प्रेस एंड होल्ड करके ही रखा है, मैंने उठाया नहीं है। फिर मैं इसको ऐसे पुल कर रहा हूँ, तो पुल करने से आपको ऐसे ऐसे सब करने मिलेगा, उसको शेप वाइज रखना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी जैसे डाइस का शेप ऐसा है तो मैंने उसके शेप के हिसाब से पेन को खींचा है, सो उससे एक लाइन बन जाता है। फिर बाकी सब तो नॉर्मली भी किया तो भी चलेगा। राइट क्लिक करने के बाद मेक सेलेक्शन में जाओ। अगर फेदरिंग मतलब कितना शार्प होना चाहिए एज, उसको फेदरिंग बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा आप नंबर हाई रखोगे उतना ज़्यादा वो प्रॉपर फेड होएगा, ठीक है। सो अभी मैंने ये ज़ीरो पे था, ज़ीरो पे रखूँगा तो बहुत गंदा रिजल्ट आएगा, तो इसके लिए मैं उसको टू नहीं तो थ्री पे रख देता हूँ। तो अभी मैं इसको टू पे रखा, ओके दबाया, ठीक है। क्लोन स्टैम्प टूल उसको यूज़ करते हैं अभी। सो क्लोन स्टैम्प टूल कैसा काम करता है कि वो एक एरिया से कुछ कॉपी करके दूसरे एरिया में पेस्ट कर देता है। यहाँ पे कुछ हटाना है, सो आप ये एरिया से एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो और फिर यहाँ पे आके अगर आप क्लिक करके रब करोगे ना तो ये एरिया यहाँ पे कॉपी हो जाएगा बेसिकली। सिंपल समझना है। अगर आप ऑल्ट को दबा के रखेंगे तो ये जो सर्कल है उसका वो सर्कल चेंज हो जाएगा। अभी जैसे मैं यहाँ पे ऑल्ट दबा रहा हूँ तो ये सर्कल चेंज हो रहा है, दिख रहा है। सो अभी मैंने ऑल्ट दबाया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, अभी ये एरिया कॉपी होएगा। सो अभी यहाँ पे गया, देखो आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये एरिया जो है सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे आ रहा है। अभी जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो वहाँ से कॉपी होते रहेगा, ठीक है। अभी ऐसे क्लिक करके मैं ऐसे ऐसे करूँ तो ये एरिया से जो है यहाँ पे कॉपी हो रहा है, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर दिया, कंट्रोल डी दबाया तो ये देखो अभी वो जो था वो गायब हो गया है, जो तार का लास्ट पीस था उसको गायब हो गया। अभी जे वापस जे पे क्लिक करता हूँ और ये जो है इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, सो थोड़ा ऑब्वियस नहीं लगना चाहिए। Oh, 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 oh
सो ऐसे मैंने इसको एडिट किया, यही था इसका ट्यूटोरियल। लाइक देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ऑसम।